City News. टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। पहले एक नज़र राजधानी की हलचल पर। लखनऊ में होगा सारंगी मेले का आयोजन, संस्कृति विभाग ने तैयार किया कार्यक्रम। हटाए जाएंगे मोबाइल बंद वाले लेसा अभियंता, चेयरमैन नवनीत सहगल ने जारी किया आदेश। राजधानी में आफत बनकर आई भीषण गर्मी, अमीनाबाद व इटौंजा में दो लोगों की मौत। स्लाटर हाउस की नीति में किया जाएगा संशोधन, सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध, पहले दिन 700 छात्रों ने खरीदे आवेदन फॉर्म। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का सम्मेलन। विश्व संग्रहालय दिवस पर हुए आयोजन। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए 1.5 दर्जन लोग। रोजगार सेवकों ने किया प्रदर्शन। मेहमान डॉक्टर ए के भट्ट, अधीक्षक पीजीआई। विज्ञान विशेष में जानकारी देंगी डॉक्टर एम मोनिका। स्पेशल स्टोरी में विश्व संग्रहालय दिवस। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अरबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था एसोसिएशन के तत्वाधान में अल्पसंख्यकों का एक सम्मेलन आज साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सम्पन्न हुआ। इसमें जस्टिस MSA सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली द्वारा अल्पसंख्यकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। राष्ट्रीय महासचिव शकील अहमद ने इसका संचालन किया। सम्मेलन में मुसलमानों को केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग उठाई गई। मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MSA सिद्दीकी व विशिष्ट अतिथि NCMI की चेयरमैन डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार ने संबोधित किया। ये दो ही समस्याएं मुख्य है, और चूंकि यहाँ पे शिक्षा विभाग से, शिक्षा से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, जो भी आए हुए हैं, सबका दर्द एक ही है शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठने का, और सभी यहाँ पे बैठे हुए लोग शिक्षा संचालित कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित इंस्टीट्यूशन संचालित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। विश्व संग्रहालय दिवस पर आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से रेजिडेंसी में स्कूली बच्चों की चित्रकारी व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विश्व संग्रहालय दिवस पर रेजिडेंसी में आयोजित चित्रकला व अन्य प्रतियोगिताओं के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सहायक अधीक्षक लिली घमसाना ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता और अभिव्यक्ति की क्षमता जागृत होती है। उन्होंने बताया कि 1857 स्मृति संग्रहालय रेजिडेंसी लखनऊ मंडल का प्रथम म्यूजियम है, जिसमें संग्रहालय के रखरखाव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। तो 2003 में ये संग्रहालय को रेनोवेट करके इसको स्थापित किया गया। इसमें विभिन्न तरह के उस जमाने के चलचित्र हैं जिन्हें लिथोग्राफ्स कहते हैं हम,
उस जमाने की जो लड़ाइयाँ चल रही थी तो उसको दर्शाया गया है इस संग्रहालय में। और तोप के गोले हैं, तलवारें हैं, और इसका जो उत्खनन से प्राप्त हमें वस्तुएं मिली हैं हमने उनको भी दर्शाया गया है। विशेष जो संग्रहालय दिवस का महत्व है कि हमें उन पुरावों को संग्रहित करके अपने पर्यटकों को दिखाना और नए जो आगे भावी पीढ़ी आ रही है उसको इसके विषय में बता के, इनके रख रखाव के विषय में कि ये किस तरह से आगे रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए हम लोग संग्रहालय दिवस में म्यूज़ियम में जो म्यूज़ियम के रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे और भी डे हम लोग मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं उसी तरह म्यूज़ियम डे होता है। इसमें म्यूज़ियम की चीज़ों का थोड़ा ज्ञान होता है और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। उसमें मैंने अपने देश को बचाने के लिए बनाया था। क्या बनाया देश को बचाने के लिए? उसमें मैंने लिखा था सेव, प्लीज सेव द एनवायरमेंट एंड सेव द अर्थ। सेव? हाँ। तो आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया था या आपने अपनी मर्जी से बनाया था? ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया था, अपने दिमाग में इमेजिन किया था फिर बनाया था। आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है। वर्ल्ड म्यूजियम डे क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों का म्यूजियम के प्रति थोड़ा लगाव बढ़े और वो अपना नॉलेज बढ़ाएं, कि वो नॉलेज बढ़ाएं इसके बारे में और म्यूजियम की महत्व समझें। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भट्टा पारसवाल में आज भी भय व आतंक व्याप्त है। पत्रकार वार्ता के दौरान रिटायर्ड आईएएस आरपी शुक्ल सहित 19 लोगों के रालौद में शामिल होने की घोषणा की गई। लखनऊ आगमन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि भट्टा पारसौल के किसानों पर दबाव बनाकर उन्हें मुंह बंद रखने के लिए विवश किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान रिटायर्ड आईएएस आरपी शुक्ला, दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत चड्ढा, आगरा के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एचएस इंदौलिया सहित 19 लोगों के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। झूलेलाल पार्क में आज उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके दौरान 52 रोजगार सेवक अनशन पर डटे हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा रोजगार सेवकों की नई भर्ती किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने झूलेलाल पार्क में डेरा डाला। संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप शाही ने संयुक्त रूप से बताया कि वे किसी भी कीमत पर नए रोजगार सेवकों का चयन नहीं होने देंगे। राज्य के विभिन्न स्थानों से आए रोजगार सेवक आंदोलन में भाग ले रहे हैं। देखिए, मेन उद्देश्य यही है कि शासन द्वारा 29/4/2011 को एक शासनादेश जारी कर दिया गया है ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा कि प्रदेश के जिन जनपदों में ग्राम रोजगार सेवकों ने 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उन जनपदों में नए सिरे से चयन होगा और वो जिलों जिलों में विज्ञप्तियां भी प्रकाशित हो रही है। हम लोग मात्र एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांगे ना मान ली जाए। हमारे 52 रोजगार सेवक साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, हजारों रोजगार सेवक इनके समर्थन में बैठे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। कर्मचारी नेता स्वर्गीय बीएन सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक सभा दारुल शफा बी ब्लॉक के कॉमन हॉल में आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा दारुल शफा बी ब्लॉक के कॉमन हॉल में आयोजित सभा में कर्मचारी नेता स्वर्गीय बीएन सिंह को याद किया गया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष अमरनाथ यादव व महामंत्री रामजी यादव के अलावा अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे। सभा में दिवंगत कर्मचारी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला, सिटी न्यूज। कर्मियों द्वारा संचालित उजाला सेवा संस्थान के माध्यम से युवक युवतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया का पूर्ण निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। उजाला सिटी न्यूज 195/11 जेएन रोड नियर कैसरबाग बस अड्डा गोलागंज लखनऊ। फोन नंबर 0522329-7835 और मोबाइल नंबर 8081741076। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का। आज के मेहमान हैं डॉक्टर ए के भट्ट, अधीक्षक पीजीआई। मैं डॉक्टर अरुण कुमार भट्ट, उजाला सिटी न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार
और उजाला सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने दर्शकों के समक्ष हमें प्रस्तुत होने का अवसर दिया। इसके लिए हम उजाला सिटी न्यूज़ के आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा जन्म जनपद हरदोई में के एक गाँव में हुआ और मैंने अपने ये मेरा गांव यहीं हरदोई जनपद के हरदोई तहसील के ब्लॉक हिरोरी में पड़ता है और मेरी शुरू की जो शिक्षा हुई 8वीं तक की मेरे गांव में ही हुई। उसके पश्चात मैं हरदोई जनपद आया और वहां एक अच्छा एक प्रेस्टीजियस कॉलेज है, वहां से मैंने इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से वो कॉलेज जुड़ा हुआ है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मेरा चयन कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट के द्वारा कानपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए हुआ। मैंने 1977 में कानपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया और उसके पश्चात 1982 में MBBS मेरा पूरा हुआ और उसी की निरंतरता में मैंने MD मेडिसिन किया। MD मेडिसिन करने के बाद मैं यहीं लखनऊ में बलरामपुर चिकित्सालय में फिजिशियन की बतौर फिजिशियन तैनात हुआ और वहां पे मैंने जनरल फिजिशियन की हैसियत से कार्य करना प्रारंभ किया। बलरामपुर अस्पताल में मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की स्थापना की, वहाँ एंडोस्कोपी और जितनी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रोगियों की आवश्यक सुविधाएं थीं वो सब जुटाई गईं और लगातार मैं 20 वर्ष तक बलरामपुर चिकित्सालय में फिजिशियन एवं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत रहा। तत्पश्चात थोड़े समय के लिए मैं बाराबंकी में भी गया, वहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर हेल्थ रहा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, और उसके पश्चात थोड़े दिन के लिए मैं KGMC लखनऊ में जो अब CSMME हो गया है वहाँ पे मैं वहाँ के इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल में अधीक्षक के पद पर रहा। अप्रैल 2006 से मैं संजय गांधी PGI में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर रोगियों की सुविधाएं, रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दिलाने का मेरे स्तर से प्रयास किया जाता है, रोगियों के इलाज से संबंधित और रोगियों की जितनी सुख सुविधाएं होती हैं, रोगियों के परिजनों की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और रोगियों के लिए सभी और भी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, विभाग बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि और इमरजेंसी में जो पहले इमरजेंसी में जो दिक्कत होती थी, इमरजेंसी में यहाँ कब बेड थे, इमरजेंसी में आने वाले रोगियों को बड़ी कठिनाई होती थी, तो इमरजेंसी वार्ड का विस्तार किया गया है। सिटी न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और उजाला सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने दर्शकों के समक्ष हमें प्रस्तुत होने का अवसर दिया। इसके लिए हम उजाला सिटी न्यूज़ के आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे द्वारा प्रसारित अपने खास प्रोग्रामों को देश विदेश कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट www.ujalacitynews.com पर भी लॉग ऑन कर देख सकते हैं। उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। आप अपने आयोजनों की कवरेज एवं विज्ञापनों हेतु व सुझाव के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522-329-7835, 9026307575, 8081-741-076 और फैक्स नंबर है 0522-410-6197। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम विज्ञान विशेष में जानकारी देंगी डॉक्टर एम मोनिका। नमस्कार, मेरा नाम मनिका है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ CMAP में और डॉक्टर GD बागची सर के अंडर में मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ। हमारे रिसर्च का टॉपिक जुड़ा हुआ है वनस्पति विज्ञान से। जैसा कि हम सब लोग को पता है, मैं इस बात पर रिसर्च कर रही हूँ कि जो पेड़ पौधे, विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, पेड़ पौधों से हम कैसे उपयोग करें, पेड़ पौधों का मेडिसिनल उपयोग, वनस्पति के तौर पर उपयोग पेड़ पौधों का, वो सब हमें विज्ञान ने बताया है। बहुत दिन पहले आयुर्वेद से लेकर आज तक हम ये जानते हैं कि हम रोज के
इवन रोज के लोग भी जानते हैं, रोज उपयोग में आने वाली चीज़ें भी हमें औषधीय रूप से इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन अब हम लोग उसका इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं कि अब वो ख़त्म हो रही है हमारी जैविक संपदा जो भी है, हमें मिलती है जो हमें औषधि प्रदान करती है, वो सब हम अपने नेचर से अपने एनवायरमेंट से वो ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। तो मेरा बेसिकली काम ये है कि मैं उन जैविक संपदा का संरक्षण करूं, जो जहां पर जो पौधे होते हैं वहां पर सारे पौधे ख़त्म करने के बजाय उन पौधों का किस तरह से उपयोग ऐसे हो कि वो पौधे भी बचे रहें और हमारा उपयोग भी हो जाए, इस विषय में मैं अपना काम कर रही हूं। यहाँ पर मैंने काम किया है, 3 आर्टिमीसिया एक पौधा है जो कि एंटी मलेरियल है, मलेरिया उन्मूलक है, वो पौधा हिमालय गढ़वाल रीजन्स में पाया जाता है और वहाँ से इतना ज़्यादा उस पौधे को ले लिया गया या इतना ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि अब वो पौधा वहाँ से नष्ट होने लगा है। अब हमें मलेरिया के लिए भी दवा चाहिए और वो पौधा भी ख़त्म हो रहा है, तो हम उस पौधे को कैसे बचाएंगे? तो हमने वहाँ की 3 रेयर स्पीशीज़ वो हैं जो कि ख़त्म लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, उन स्पीशीज़ को हमने यहाँ के जो मौसम के अनुसार, वो ठंडे प्रदेश का पौधा है कैसे होता है वहाँ पर, उसको हम यहाँ पर लाकर हमने लगाया, 3 पौधे यहाँ पे लाके लगाए, 3 उसकी वैरायटी। हमने ये नोटिस किया, यहाँ पर देखा कि अगर हम उस पौधे को वहाँ के जो भी वहाँ की जलवायु है वहाँ से निकालने के बजाय यहाँ पर लगाकर उसको उपयोग में लाएं, इंडस्ट्री में जो भी वो जाता है मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल जाता है एक साथ, बहुत ज़्यादा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए होता है, वो यहाँ हम अगर यहाँ की जलवायु में लगा कर देखें तो भी उसका उस पौधे के जो क्वालिटी है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, यहाँ की जलवायु में भी लगा कर उसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यहाँ से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके जो आर्टिमीसिया से तेल भी निकलता है उसकी भी अपनी औषधीय वैल्यू है, तो वहाँ के जो ऑयल है और यहाँ के ऑयल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ का ऑयल कैम्फर जो कि कपूर जिसे कहते हैं उसमें रिच है और यहाँ से भी वो पौधा। उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में विश्व संग्रहालय दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस पर इस बार म्यूजियम एंड मेमोरी की थीम पर संग्रहालय से जुड़ी यादों को ताजा किया गया। अमूमन ऐतिहासिक और बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह कर उनके प्रदर्शन वाले स्थल को संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित राजकीय संग्रहालय देश का प्राचीनतम संग्रहालय है। वर्ष 1963 में हुई थी इसकी स्थापना। 148 वर्ष पुराने इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल के औजार, मौर्य काल की प्रतिमाएं, 16वीं सदी के चित्र, 17वीं सदी के मुगल कालीन बर्तन, गुप्त काल के सोने के सिक्के तथा 1020 पुरानी ममी सहित अनेक दुर्लभ वस्तुएं हैं मौजूद। असल में किसी भी देश, राज्य अथवा स्थान से जुड़ी यादों को सहेजने और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की सशक्त माध्यम होता है संग्रहालय। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज।
चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का सम्मेलन। विश्व संग्रहालय दिवस पर हुए आयोजन। राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हुए 1.5 दर्जन लोग। रोजगार सेवकों ने किया प्रदर्शन। मेहमान डॉक्टर ए.के. भट्ट अधीक्षक पीजीआई। विज्ञान विशेष में जानकारी देंगी डॉक्टर एम मोनिका। स्पेशल स्टोरी में विश्व संग्रहालय दिवस। टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर राजधानी की छोटी बड़ी खबरों के साथ। अब उजाला सिटी न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।